तो अब सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में कि किस तरह से फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का टैग एक्टिवेट कर लेते हैं। अब लूप का काम क्या होता है, किसी भी कोड को बार बार रिपीट करना या बार बार उसको एग्जीक्यूट करना। अब इसकी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस पर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया या आपने लिख दिया या सब उस पर हेलो स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार नजर आएगी, एक ही बार नजर आएगी उसके ऊपर हमारे आउटपुट पर। तो यहाँ से हम उसको रिवील एंड एक्सप्लोर कर लेते हैं और यहाँ से जाके इसको हम राइट बटन दबा के ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें नजर आ रही है हेलो स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या है कि अगर आपसे कोई कहता है कि ये स्टेटमेंट यार ऐसा करोगे 10 बार लिख दो, तो आप इसको 10 बार कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे बेहतर है कि हम इसके अंदर एक टेक्निक को यूज करें जिसे हम कहते हैं लूप। कैसे करेंगे, तो हम पहली टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर लूप। फॉर इसका एक कीवर्ड है, फंक्शन है, मेथड है, उसको यूज कैसे करते हैं। देखिए फॉर लिखेंगे, ये उसका कंडीशन ब्रैकेट है, ये उसके ब्लॉक है, इसको हम बॉडी भी कहते हैं। अब बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट हमें रिपीट करानी है वो एक लाइन स्टेटमेंट भी हो सकती है और बंडल ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, मतलब 1, 2, 10, 20 वो सबको रिपीट करेगा। अब कंडीशन ऑपरेटर के कंडीशन में क्या बताएंगे, इसके अंदर एक इसका बताएंगे आइटरेटर। आइटरेटर मतलब जो इसको लूप को चलाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू 1, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इसकी वैल्यू रख दी हमने 1, कहां तक जाएगा 10 टाइम, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये 10 तक जाएगा इस तरीके से। और एक यूनरी ऑपरेटर लगा देंगे इसके ऊपर आई प्लस प्लस, जो इसको 10 तक पहुंचने में हेल्प करेगा, 10 तक पहुंचने में 10 टाइम ये इसको प्लस करेगा और आई की वैल्यू को अपडेट करेगा। इन द मीन वाइल ये इसको 10 दफा इस तरह से अप कर देगा। अगर हमें न्यू लाइन पे स्टेटमेंट चाहिए थी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो एक ब्रेक यहाँ स्टेटमेंट लगा देते हैं हम यहाँ पे br, और इस तरह से लगा देते हैं। तो ये देखें इस तरह से न्यू लाइन पे कर देगा। अब इसी लूप के मुख्तलिफ हम टेस्ट कर लेते हैं, जैसे मतलब अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और मिसाल के तौर पे अगर हमें इसके अंदर आई की वैल्यू प्रिंट करानी थी तो क्या करेंगे, तो हम आई की वैल्यू शुरू में कराना चाहते हैं आखिर में, अगर शुरू में कराना तो यहाँ आई लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे ये देखिए आई की वैल्यू भी साथ साथ एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आपको इसमें स्पेस चाहिए तो एक स्पेस दे देंगे, यहाँ पे स्पेस कर दें, तो इस तरह से आई की वैल्यू के साथ एक स्पेस भी आ जाएगा और इसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर देगा। अब आई की वैल्यू आउटपुट आ रहा है, आपको स्ट्रिंग नहीं चाहिए तो आप स्ट्रिंग को हटा दें यहाँ पर से इस तरह से, और ये इसको इस तरह से रिपीट कर देगा। अगर आपको ये रो में चाहिए तो आप इसको न्यू लाइन भी हटा दें यहां से, तो ये इसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे आइटरेटर में हर दफा एक वैल्यू एड हो रही है, इसलिए 10 दफा हो रहा है। अब 10 की जगह 20 दफा कराना है तो आप यहाँ पे एंड में 20 लिख देंगे तो 20 हो जाएगा, और अगर आप इसको 50 दफा कराना चाह रहे हैं तो 50 दफा भी कर सकते हैं। अब इसी की एग्जाम्पल को लेते हुए अगर हमें इसमें मुख्तलिफ सीरीज टेस्टिंग के लिए प्रिंट करानी हो, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रही है, 2, 4, 6 एड कराना हो, तो क्या करेंगे, अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। 2, 4, 6 एड के लिए आइटरेटर की जो इनिशियल वैल्यू 2 कर देंगे, और हर दफा हमें क्या कितने प्लस करने हैं 2, यूनरी ऑपरेटर में तो प्लस 1 ही होगा, तो 2 प्लस करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे प्लस इक्वल का, और प्लस इक्वल पे आगे लगा देंगे 2, तो आई की वैल्यू जो भी होगी उसमें 2 का 2 प्लस करता जाएगा। तो इस तरह से 2, 4, 6 करके इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको ओड नंबर प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू को 1 करेंगे और यहाँ पर आई प्लस 2 ही रखेंगे, और इसके बाद आपने इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है तो 1, 3, 5, 7, 9 प्रिंट हो जाएगी। यानी कि इस तरह से लूप के डायमेंशंस और सीरीज को आउट कर सकते हैं। मैंने 5 का टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या करेंगे 5 कर देंगे, और आइटरेटर में जो इंक्रीमेंट असाइनमेंट के साथ उसको 5 कर देंगे, तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब इसके आगे जाना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर 1 × 5 × 5 × 5 × 5 करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 करेंगे और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देंगे एस्टारिक, मतलब हर दफा मल्टीप्लाई करें उसको अपडेट भी करता रहे। तो ये देखिए 1, 5, और फिर हमारी जो एंडिंग है उसको थोड़ा और आगे ले जाएंगे, सपोज उसको 20,000 या 2 लाख तक ले जाते हैं, तो ये देखें उसकी वैल्यूज में आई 5, 25 और 125, और अगर आप एक्सप्लोरेशन फॉर्म में लगा देंगे इसको 2 स्ट्राइक लगा देंगे तो ये और मल्टीप्लाई करके आगे ले जाएगा और इन्फिनिट हो जाएगा। तो फिर ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि इसको किस तरह से, और पीसी आपका हैंग हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने इसको ख्याल करना है कि इसको ज़्यादा उल्टी सीधी वैल्यूज पास ना करें ताकि आपका पीसी हैंग ना हो और पूरा सिस्टम हैंग हो गया था। अभी मैंने इसको सेट किया, तो यहाँ से भी जाके हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से फोर लूप भी डाल देते हैं। अब फोर लूप के बीच में जो भी चीज़ आएगी ये उसको रिपीट करेगा। इसका काम क्या है, रिपीट करना, कोई भी स्टेटमेंट आप जो लिखेंगे ये उसको प्रिंट करेगा, चाहे वो कमांड ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आपने अभी डॉक्यूमेंट और राइट से वैल्यूज प्रिंट करा रही है, वैल्यूज भी हो सकती हैं। अब इसको अगर रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, अब रिवर्सन में क्या कर सकते हैं, 22 1 है तो 20 कर देंगे, और लेस देन की जगह पे यहाँ कर देंगे ग्रेटर देन कर देंगे, और जहां तक लेकर आना उसको यहाँ कर देंगे 1। तो यूनरी ऑपरेटर जो आपने प्लस प्लस यूज किया था यहाँ क्या यूज कर लेंगे, माइनस माइनस यूज कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें उल्टा हो गया, ओके रिफ्रेश रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये देखें 22 1 हो गया। इस तरह बहुत सारे रिवर्सल लगा सकते हैं। आप 11 के टेबल को उल्टा चाह रहे हैं तो पहले 110 ले लें यहाँ पे, और उसको लिया यहाँ पे 11 के ऊपर लिया है, और यहाँ पे आप क्लिक करके क्या करेंगे, आई डिवाइड इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रिवर्स करेंगे, ये देखिए 110 आ रहा है, तो आई की वैल्यू 110 है और आई डिवाइड इज इक्वल टू 11 हो रहा है। तो 1 करके देखें इसको,
अच्छा, तो अब उसको जब डिवाइड कर रहा है तो वो इसमें इस तरह से आ रहा है कि 110 को डिवाइड हुआ तो फिर आ गया 10, क्योंकि डिवाइड करके वो अपडेट भी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर को माइनस इक्वल पे लगाते तो ये देखें कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, 11 का टेबल उल्टा यानी कि रिवर्स फॉर्म में प्रिंट हो जाता। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फोर के लूप को इजिली यूज करके स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करा सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कल जो हमने सीखा था उसको भी आप बीच में डालेंगे तो वो बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इस तरह से रिपीट करता रहेगा, मतलब अगर आप कोई फंक्शन भी लिख देंगे तो उसको उतनी बार ये रिपीट कर देगा। मिसाल के तौर पे हमने क्या सीखा था, हाँ, एक अलर्ट बीच में लिख देते हैं, सपोज टू बी अलर्ट लिख देते हैं बीच के अंदर, जो हमने सीखे थे अलर्ट्स के बारे में, अलर्ट्स में लिख देते हैं वेलकम। तो अब जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार हमें क्या करेगा, वेलकम करता रहेगा, वेलकम 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 वेलकम, और ये करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह जो भी चीज डालेंगे उसको ये रिपीट करता रहेगा। तो लूप हमारे काम को आसान कर देते हैं, यानी कि एक जगह आप जो बार बार रिपीट कराना है वो लूप क्या करता है कि उसको खुद ही कर देता है। हमें सिर्फ एक दफा स्टेटमेंट लिखनी होती है, पर लॉजिकल लिखनी होती है ताकि वो सही तरह उस पर काम कर लें।